हंस के वंशज ना है, हम श्री कृष्ण के वंशज है। हम कंस के रास्ता पे ना चलेंगे, हम श्री कृष्ण के रास्ता पे चलेंगे। हम रावण के वंशज ना है, राम के वंशज है। हम रावण के रास्ता पे ना चलेंगे, हम राम के रास्ता पे चलेंगे। हम कौरव के वंशज ना है, हम पांडव के वंशज है। हम दुर्योधन के रास्ता पे ना चलेंगे, हम युधिष्ठिर के रास्ता पे चलेंगे। युधिष्ठिर के भी वनवास काटे के पड़ल, अज्ञातवास काटे के पड़ल। राम के भी वनवास काटे के पड़ल, अज्ञातवास काटे के पड़ल। और श्री कृष्ण के तो जन्म झेल के पड़ल। जौन सरकार अत्याचार, हम वादा करता नहीं कि बिहार के कोनो भी बेटा के संगे, बिहार के कोनो माँ के संगे, भाई के संगे, चाचा के संगे, पापा के संगे सरकार और प्रशासन एक प्रकार के अत्याचार ना करे, ये वादा करता नहीं हम लोग। उस सब लोगों को खैया हो गए, सब लोगों को सारा नजर को। मनीष कश्यप गलती कर ले तो मनीष कश्यप के कंपनी में काम करने वाला सब कुछ खैया का कर। जैसे घर में एक आदमी गलती करे ना, अब पूरा घर दुआरे में खैया हो जाए। बिहार बोला कि ना होला होला होला। जमीन के लफड़ा में थोड़ा सा मारपीट हो गई और छेड़खानी के छियात्रा केस कर रहा जाए, पुलिस के मारा ओकरा बावजूद केस हो जाला, हो जाला ना। कोनो औरत जो बाटे कोनो कारण से मर गई, कोनो भी कारण से, ओकरा बाद से पूरा परिवार में कहे प्रथा के केस हो जाला, पूरा परिवार के। वो जे दोषी बा ओकरा सजा मिले, आ जे निर्दोष बा वो बिहार में आप सर उठा के घूमे। ये वादा करता नहीं लेकिन रौजी के साथ में बने तब बस है। जगह जगह हाल ले ले। अब वहां से जब हम निकलनी है तो हमारा उम्मीद ना रहा लगा कि रास्ता में हर 10 किलोमीटर पे लोग रोकी स्वागत करी। आ जब हम अपना गांव में जाए तो हमारा गांव के हर आदमी जागल रही, ये हमारा उम्मीद ना रहा लगा। हम अपना गांव लग ज्यादा कुछ नहीं करी। अरे मोबाइल बोली खबर उतना औकात ना रहे, जितना औकात रहे उमे जितना हो सके उतना कोई जहां से हम लोग का मन आ रहा है। हमरा के खत्म करे के एगो साजिश रचा गए, एगो ठेठ गांव के लड़का के खत्म करे के साजिश जान बाटे। ये देश के दूदू को राज के दूदू को बड़ा नेता लोग कहलक, एगो राज के ना दू गो राज के बड़ा बड़ा नेता लोग कहलक। और हमरा ऊपर लगा दलक लोग NSA जौना के हम खुद नाम ना सुन ले। बाद में पता चलल कि NSA के मतलब होला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी मनीष कश्यप देश लाख खतरा बा। का लगा हो गई मनीष कश्यप देश लाख खतरा बाड़न, जबकि हम देश लाख खतरा ना रही। हम खतरा रही वो भ्रष्ट लोग लाख जो बिहार के दिमाग की तरह चाट के बर्बाद कर रहे, वो लोग लाख हम खतरा रहे। और हमरा के जब दूदू को राज के सरकार खत्म करे के प्रयास कैला तो फिर हमर पुनर्जन्म 9 महीना के बाद जेल के अंदर से भई। 9 महीना के बाद पटना के बेऊर जेल से हम निकलनी और हमार पुनर्जन्म भई। और हमार पुनर्जन्म अब की दाव हमार मनारी के सदस्य रौनी के प्यार के वजह। अगर रौनी के प्यार ना दिखाओ लग रहा थी लेकिन बेऊर जेल गेट पे उतना भीड़ ना पहुंच रही तो हम चुपचाप लावे से निकलती और शांत हो जाती और हम अपन रास्ता बदल लेते। लेकिन जब हमरा पता चला कि पटना रेलवे स्टेशन पे, दानापुर रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पे रात में 2,000-4,000 लड़का आके सुतर रहा हम दूसरा दूसरा जगह से आके, क्योंकि एक दिन पहले हम निकले वाले रहे वो दिन ना निकल कागज में हो गई लफड़ा, जबकि हम लफड़ा ना कर ले रहे। हम तो अपन बेल ले ले रहे कोर्ट कह दे रहे मनीष कश्यप को हम लोग छोड़ दिए आप लोग छोड़ दिए, लेकिन कागज में लफड़ा के कैलक काहे कैलक काहे कि मनीष कश्यप के अगर फर्नीचर के रिहाई ना हो तो 2023 में मनीष कश्यप ना निकलता 2024 तारीख के बाद। अरे पीछे हटिए समस्या भाई।
फगुआ से निकल ली और सबसे पहले पहुंचने दशरथ माझी के गांव में। केकरा गांव में? कहा दशरथ माझी के गांव में गए थे ओकरा पीछे समझी लगे पूरा समाज हुए आंख खोल के देखते और दशरथ माझी अकेले पहाड़ पूरक रहन अकेले पहाड़ पूरक रहन। अब 20 साल बाद दशरथ माझी पहाड़ तूर दल आ जब पहाड़ तूर दल तब पूरा समाज खड़ा हो गया। ऐसा ना जाने कितना दशरथ माझी बांटे लोग जो संघर्ष में संकट में बिहार में पैदा होता के लोग संघर्ष में संकट में उन लोग की जिंदगी बा और संघर्ष में संकट में उन लोग की जिंदगी खत्म हो जाता है। हमने के हुए चीज के खत्म एगो चीज रौनी के जान जाए लगी बस रौनी के प्राण ले लगी कि नेवर गिव अप कभी हार ना मानम सब कबो ना हार मानम सब। अरे बिहार में पैदा भइल बानी सब बिहार में सुने नहीं कि खाली शेरे पैदा हो बोला ना लेकिन कुछ बाड़ो सब जो बिहार के रोज खाए ले सब वो आदम खोर हो ले सब वो शेर ना हो। हॉस्पिटल में लोग मर रहा बा ओकनी के ओसे मतलब नहीं के ओकनी के हॉस्पिटल में इलाज ना करिया सब हॉस्पिटल में बढ़िया बढ़िया मशीन के तार काट दिया सब ऐसा होला पता करम लगे होला कि ना बिहार में बेड रही लेकिन बेड ना दिया सब सामने जो बाटे हॉस्पिटल में बाहर लोग दम तोड़ तो ऐसा आदम खोर के सबक सिखावेला। हम सुनले बानी कि बिहार में जितना शेर बाटे लोग वो लोग जे सुतल बा वो जब जाग जाए तब दावा के साथ कहता नहीं कि कोई भी दशरथ माझी संकट में नहीं पैदा होगा संकट में उसका जिंदगी नहीं बीतेगा और संकट में वो नहीं मरेगा और किसी के माँ के आंख का आंसू जो है वो जमीन पे नहीं गिरेगा। आंख में आने से पहले हम लोगों को आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहेगा। तो अगर माँ के कोख ने आप लोगों को पैदा किया है तो आइए सब उस माँ के कोख में खाते हैं कि हम लोग अपने भूमि का कर्ज अदा करेंगे और जहाँ भी गलत देखेंगे मोबाइल उठा के माइक उठा के डंडा उठा के कलम उठा के तलवार उठा के लाठी उठा के भाला उठा के पर्दा उठा के और भ्रष्ट लोगों को रेल देंगे। नौ महीना जेल में कटले बानी थे हमरे के जेल में डाली लोग हमारा डर नहीं थे फिर जाए डाली लोग हमरा घर के कल उखाड़ ले लख लोग हमर घर के कुर्सी चौपट जंगल लख लोग रौनी के आंख के सामने रौनी के देखत रहत आई नहीं लगी आ हमर घर के सब कुछ उखड़त रहल आ ट्रैक्टर पे लाद के चल गई मझौलिया थाना में। वो तो न्यायालय बाटे जो आदेश दे लकी ना मनीष कश्यप के संगे गलत भइल बा पहले उनका सामान वापस कई जाए आ जान तानी लगी कौना केस में हमर घर के कुर्की जब्ती भइल जाई लगी मदन हाजरा से पूछी लगी उनका बेटा के दिल में छेद रहे और अपन जिंदगी भर के कमाई जोन बाटे बैंक में जमा कर ले रहा उनको पैसे के उड़ा ले रहा हम जाके बैंक के बाहर वीडियो बनाएगी तो हमारा ऊपर केस हो गई मदन हाजरा के बेटे के बचावे ला मनीष कश्यप वीडियो बनाए ला मनीष कश्यप के ऊपर केस भाई मनीष कश्यप के घर के कुर्की हो गई और रौनी के आंख खोल के देख रहा कहने लगी खतरा दाई नहीं लगी रहूंगी कि यही बात के हमरा अफसोस बाटे जब मनीष कश्यप के उनके दुख ना देख पावेलन अब जितना दिखेला हुआ लड़ जालन तो हमर घर के बचावे के जिम्मेवारी केकरा रहे रौनी के रहे रौनी के रहे रौनी के ना बपे नहीं लगी हमर मतारी 9 महीना तक रोवत रह गई हमर बतारी हमरा से कहली कि कुछ लोग कहत रहे कि जा लगी ना सरकार बदली तबे मनीषवा निकली सरकार बदली तबे मनीषवा निकली का कहत रहे लोग सरकार बदली तबे मनीषवा निकली हम उन लोग से कहत रहे कि मनीषवा निकली तो सरकार बदली हमरा बतारी से कहले बटे लोग क्या पता कर
निकली, वो लोग से वादा करता नहीं, मनीषवा निकल गए, अब सरकार बदल।